picked up something extraordinary and possibly life-threatening. You have somebody with you? You can translate. Hi, hi, how are you? गाइस वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही बुरी तरह चेकिंग हो रही है एयरपोर्ट पे, कोई भी एयरपोर्ट पे। आप प्लीज कुछ भी सामान किसी के ना लेके आए, देख लो वो सफेद डब्बे में क्या रखा हुआ। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं लेके आया हूँ, भाई किस्मत का खेल है तुम्हारा, निकल गया सब लोग फंस सकते हैं। ट्रैवल से रिलेटेड दो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि वीजा से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड, एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले दोस्तों, स्टार्टिंग में आपने शॉर्ट वीडियो देखा, ऐसे एक वीडियो नहीं दोस्तों, हज़ारों वीडियो पिछले एक महीने के अंदर दोस्तों आया है, और बहुत सारे एयरपोर्ट पर दोस्तों इंडिया में भी इस तरह का घटना घटा है। क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं दोस्तों, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ का दोस्तों, वहाँ का रूल हमको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अनजाने में अपने बैग, क्योंकि इस तरह का घटना घटा, आपने देखा दोस्तों दुबई एयरपोर्ट की ये तस्वीर है, और ये दोस्तों दूसरे कंट्री से दुबई में घूमने के लिए जा रहे थे, बट दोस्तों इनको देखा आपने, गोली का जो छरा है दोस्तों उसमें इनका बैग से निकला, तो इनको जानबूझकर दोस्तों इन्होंने अपने बैग से चेक नहीं किया था, मतलब बैग में ये जानबूझकर नहीं रखा था कि हाँ मुझे ये चीज़ लेकर जाना। अनजाने में दोस्तों इनके, जब स्कैनिंग में पता चलता है कि इसके बैग में इस तरह का चीज़ है, तो दोस्तों पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर ये कहाँ से आया, क्या आया, तो इन्होंने बताता है दोस्तों कि मैं पुलिस वाला हूँ और मेरे अनजाने में मुझे इस तरह का चीज़ बैग में आ गया है, वापस आ गया है दोस्तों। बाद में दोस्तों वहाँ से उनको पुलिस जाँच करती है, और पुलिस इमिडिएटली उनको गिरफ्तार करके जेल भेजती है, जबकि इन लोग पुलिस वाले लोग नहीं थे, अदर कंट्री के पुलिस वाले लोग नहीं थे, जांच में पता चलता है। तो दोस्तों बाद में इनको सज़ा सुनाई जाएगी, लेकिन दोस्तों अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, आप कहीं के लिए भी ट्रैवल करो अपने बैग, क्योंकि इंडिया में इस तरह का घटना घटा था, फिलहाल की घटना है, उनके बैग से भी इस तरह का कारतूस जो है निकला हुआ था, उनको भी गिरफ्तार करके दिल्ली एयरपोर्ट से दोस्तों जेल भेज दिया गया था। तो मेरा कहने का मतलब, अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप पहले अपने बैग को अच्छी तरीके से चेक कर लें, नहीं तो वहाँ स्कैनिंग में पता चलेगा, फिर आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा एक घटना आ रहा है दोस्तों कि बहुत सारे अपने दोस्त को या फिर जानने वाले को कुछ सामान दे देते हैं लेकर आने और जाने के लिए। मैं बहुत सारे ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ, बेसिकली गल्फ कंट्री के लिए जो लोग ट्रैवल करते हैं तो अपने जानने वाले पहचानने वाले कुछ खाने पीने का सामान, या फिर वहाँ से आते हैं तो भी अपने सामान कुछ लेकर आते हैं, तो उन इस तरह का बहुत सारे मामला आ रहे हैं, क्योंकि वो कुछ अल्लीगल सामान देते हैं और ये खोल भरोसे पे खोल के देखते नहीं हैं, और पता चलता है दोस्तों कि ये अल्लीगल सामान है। इसलिए कोई भी आपको अगर सामान दे रहा है तो पहले उसके सामने उसके हाथों से खुलवा कर देखवा लें कि हाँ इसमें कुछ ऐसा सामान तो नहीं है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट पर आप ये नहीं बोल सकते ये मेरा सामान नहीं, क्योंकि आपके पास निकलेगा तो आपको गिरफ्तारी होगी। इसलिए कोई भी सामान दे तो पहले आप चेक कर लें, उसके बाद ही आप लेकर जाएं।